मेरे चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ कोन भेल। जी हाँ, पापड़ के कोन में भेल हम सर्व करेंगे और देखिए कितनी अच्छी इजी और इनोवेटिव रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस तरह हमारी ये सुंदर सी भेल तैयार हो गई है, कोन वाली पापड़ कोन भेल। लेकिन इसमें एक बात की आपको सावधानी हमेशा रखनी रहेगी कि जब इसे आप परोसना हो, सर्व करना हो, उसी वक्त इसे आप इस कोन में भरिए। कोन आप पहले बना के रख सकते हैं, जितने चाहे कोन आप फटाफट से बना के पहले तैयार रख सकते हैं, लेकिन परोसेंगे कोन में तभी डालकर जब आपको सर्व करना है, वरना ये पापड़ नरम हो जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बस इस सावधानी के साथ इस भेल को आप जब चाहें बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पापड़, क्योंकि हम पापड़ कोन बना रहे हैं। इसके लिए इस साइज़ के मैंने पापड़ लिए, ये मैंने 5 पापड़ लिए, आपको जितने बनाने हैं उतने आप ले सकते हैं। इसके बाद हम इसकी फिलिंग के लिए, इसकी भेल के लिए चाहिए लिए हमने ये कॉर्न, ये उबले हुए हैं स्वीट कॉर्न है, एक कटोरी जैसे नमक के पानी में उबाल रखा है, ये मूंगफली के दाने हैं, ये देखिए ये भी मैंने पानी में उबाल रखे नमक डाल के। इसकी जगह आप तली हुई मूंगफली भी ले सकते हैं, पर मैंने इसको हेल्दी बनाने के लिए ये लिया, इसका टेस्ट भी उससे अलग आता है। और ये खीरा है जिसको मैंने इन्हीं की साइज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ये देखिए मैंने टुकड़े कर रखे हैं। ये टमाटर है, इसके मैंने बीज निकाल दिए सारे और देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे डाइस बना लिए हैं। ये है नमकीन से, ये नमकीन बूंदी के दाने, ये नमकीन बूंदी है, इससे अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। और ये है शिमला मिर्च जो कि ऐसी बारीक डाइस में निकाल रखी है मैंने और इसके भी बीज सारे मैंने निकाल दिए। इसके से अलावा आप लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब ये मसालों में हम देखेंगे, ये नमक है, जीरा है, सॉल्ट पाउडर है, ये थोड़ा सा गरम मसाला लिया है मैंने, ये चाट मसाला है, ये काली मिर्च है, ये नींबू है, ये थोड़ा सा धनिया बारीक कुतरा हुआ और ये धनिए के ये बीज हैं सजाने के लिए। बस इतना हमने मसाला लिया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, इसको मैं आपको 2-3 तरह से बताऊंगी। और ये देखिए मैंने इतना सा आधा टीस्पून घी लिया है, इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं। अब हमने गैस पे ये कढ़ाई रखी है, गैस ऑन कर दिया, मीडियम आंच है। अब इसमें मैं ये एक टीस्पून, आधा टीस्पून इतना सा मैंने घी डाला है, इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को हम वैसे भी मिला के भेल बना सकते हैं, लेकिन इतना सा हम कर लेंगे ना तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बाउल में ये जो सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपकी भेल तैयार है। लेकिन जो मैं ये तरीका बता रही हूँ ना उससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। ये हुआ, इसमें अब मैं ये कॉर्न डाल रही हूँ। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम सूखी हमें भेल लेनी है। अगर इसीलिए इसमें हम चटनी वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ डाला तो उसमें नमी बढ़ जाएगी और नमी बढ़ने से वो हमारे पापड़ को नरम कर देगी, क्योंकि हम पापड़ के कोन में भेल बनाने वाले हैं। बस इसके बाद ये खीरे के और ये टमाटर, ये सारे हमने मिक्स किए और हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। बस ये हल्का सा खुशबू आने के लिए ही, हमें इन्हें पकाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम भेल बना रहे हैं। बस ये हुआ, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा ना पके। से हमने ये इसमें इतना लिया, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें अब हम मसाले डालने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डाला ये नमक,
अपने स्वाद के अनुसार। फिर ये जीरा, आधा चम्मच जीरा डाला है तो हमने चौथाई चम्मच ये काली मिर्च डाल लेंगे, ये सॉल्ट पाउडर थोड़ा सा, सब 1/4 चम्मच हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला। ये मसाले, इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। कोई तीखा पसंद करता है ज़्यादा, कम तीखा पसंद करता है तो कम। ये हरा धनिया, ये हमने सब डाल के इसको मिक्स कर लेना है। बस ये हमारी भेल तैयार है। इसमें हम चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और वरना मैं अमचूर पाउडर डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि उससे सूखा भी रहता है और उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो नींबू के साथ थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे। बस अब ये हमारी भेल पूरी तरह से तैयार है। बस अब इसके लिए हम तैयार करते हैं पापड़। ये हमने गैस ऑन किया, अब इसमें मैं पापड़ को सेक रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से इस पापड़ को हमें सेक लेना है। हम तल के भी बना सकते हैं लेकिन तले हुए पापड़ को हमें कोन बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है और वो थोड़ा हेल्दी भी नहीं रहता है, ऑयली ऑयली हो जाता है, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। इसके अलावा मैं और एक ट्रिक बताऊँगी कि कैसे और भी कर सकते हैं। मैं इसको आपके दो ऑप्शन देने वाली हूँ। फर्स्ट तो ये है, देखिए हम जो कर रहे हैं इस तरह पापड़ को हम अच्छे से सेक लेते हैं। ये हमारा पापड़ सिका और तुरंत देखिए अब गरम गरम पापड़ को ही मैंने ऐसे कोन बना लिया। ये ध्यान रखना, ये ठंडा होने के बाद नहीं बनेगा, ये गरम पापड़ को ही आपको इसका कोन बनाना है। ये बन गया, इसको हम एक गिलास में या हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। ये हमारा एक कोन तैयार है पापड़ का, एक कोन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको दूसरा ऑप्शन बता रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने पापड़ लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, जैसे तलते हैं ना उस तरह से हम इस पर हल्का सा ये तेल इस पर हम लगा देंगे दोनों साइड पे। हमें तलना नहीं है लेकिन इस पर हल्का सा ये तेल का हाथ लगा दिया, बस अब हम इसे सेक लेंगे। वापस गैस ऑन किया, इसको हम उसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए बिना तला हुआ पापड़ भी हमको तले हुए पापड़ का टेस्ट और लुक देगा, है ना मज़ेदार बात। बिना तले हुए भी पापड़ को हम तला हुआ बना सकते हैं इस तरह से। गैस बंद किया, ये गरम पापड़ को हमने देखिए फटाफट इसका कोन बना लिया। ये फटाफट फटाफट इसका हमने कोन बनाना है। जो ही देर होगी ये हमारा कोन नहीं बनेगा क्योंकि पापड़ कड़क हो जाता है ठंडा होते ही। ये हमारा कोन तैयार है, इसी तरह हम बाकी के सारी कोन भी बना लेंगे। अब इसमें मैं ये थोड़ी सी शिमला मिर्च मिलाती हूँ। ये जो मैं पहले मिक्स करना भूल गई थी, उसको साथ ही डालना था हमें, इनको किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पकाना तो वैसे ही नहीं, खाली मिक्स ही तो करना था। चलिए हमने अब मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी नमकीन, इसका क्रंच और टेस्ट और लुक के लिए। और थोड़े से हम डालेंगे ये बूंदी के नमकीन दाने। देखिए कितना सुंदर लगने लग गया ना। बस ये हमारी भेल तैयार है। अब इस भेल को हम
अपने कोन में भरेंगे। ये हमारा, मैंने एक कोन लिया, इसमें मैंने इस भेल को ये इसमें अच्छे से हम इसको भर देंगे। ये मैंने भरा और इसको हमने ना एक गिलास में इसको इस तरह इसको सजा देते हैं। ये हमारी ये भेल, इसको हमने एक गिलास में ले लिया। इस तरह आप जितनी चाहें उतने आप कोन तैयार कर सकते हैं और इस तरह इसको कर सकते हैं। अब इस पर हम थोड़ी सी ये तली हुई मूंगफली डाल देते हैं और जरा सी नमकीन ये हमें यहाँ पे डाल दी है और थोड़े से हम ये दाने भी इस पर ऊपर बुरका देंगे और ये हरे धनिए की पत्ती से हम इसे सजा देंगे ताकि ये दिखने में और भी सुंदर हो जाए। ये हमारी भेल तैयार है। ये ले लीजिए, हमारी पापड़ कॉर्न भेल तैयार है, जो देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही है। देखने में जितनी सुंदर है उतनी ये खाने में भी टेस्टी है और बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है, है ना अच्छी चीज़। चलिए आप भी इसे बनाइए और मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की नई नई इनोवेटिव इजी और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ये देखिए इस तरह ये हमारी कितनी सुंदर भेल बनके तैयार हो गई पापड़ के कोन में। बस इसी तरह आप इसे बनाइए और मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह की इनोवेटिव रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन दबाना आप ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले रेसिपीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहें।